तो मैं समझता हूं कि हर चीज पैसा नहीं होती है और इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। तो आप सबका आप सबको जो है मैं ये कहूँगा कि पैसे आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज और सुकून, जंग शोर इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। अब पहली बार जो है PP31 के साथ 30-40 गांव लग गए, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 30-40 गांव लगे हैं मैं समझता हूँ कि ये शहर के हल्के के लिए भी बेहतर होएगा और इसमें कोई हमने कोई एफर्ट नहीं की पेंट डालना, वो जी आबादी है उस हिसाब ना सारा कुछ होया। तो मैं पता कराया किस तरह तरीकाकार किए करते किस तरह, वो पता लग गया कि वो आबादी वेख देने सामने मैप रख देने तो वो लकीर मार के फुटा खींच के ना तो उस तरह सारा कुछ ये प्रोसेस है ना आबादी के लिहाज से जो तरीकाकार है करने का, जो तरीकाकार है। पिछले दौर में क्या हुआ, खुदाइयाँ कर दी नीचे कुछ हिस्से थे सिवरेज के, कुछ यूनियन काउंसिलों में नीचे पाइप डाल दिए, पाइपों को जोड़ा नहीं, ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है। और ये पिछले दौरों में एक नया रिवाज शुरू हुआ हुआ था कि सड़कों के ऊपर 15% 20% एडवांस कमीशन लेना। जब आप ठेकेदार से 20% एडवांस कमीशन लेंगे तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वो लो क्वालिटी मियार उसका सड़क का लगेगा। अब जिस तरह ये जलालपुर रोड है, ये बनी इसके ऊपर नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, 2 महीने में ये रोड बैठ गई। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि चौधरी साहब ये जलालपुर रोड का कुछ करें, मैंने पर सर्वे करवाया, इंजीनियर से मीटिंग हुई, इंजीनियर ने कहा कि जलालपुर रोड के नीचे एक कस्म का पूरा समुंदर बना हुआ है, इसकी सीवरेज जो है नीचे सारी टूटी हुई है और ये कुछ 60-70 करोड़ का स्कीम है जलालपुर रोड के नीचे जो सीवरेज है, जब तक उसके ऊपर 60-70 करोड़ नहीं लगेगा तब तक जलालपुर रोड को हम इसलिए हाथ नहीं लगा सकते। इंजीनियर ने बताया है कि अगर इसका नीचे का सीवरेज को ठीक किए बगैर अगर आपने जलालपुर रोड को तोड़ के सही किया तो ये आसपास वाली बिल्डिंग जो हैं ये सारी गिर जाएंगी, इसलिए फिर वहाँ पर वोट बॉर्डर बनाएंगे। तो अब अली बराज जोड़ा साहब जिस तरह, ठीक है, मुझे किसी भी बंदे ने मेरे कान में नहीं कहा कि जी शाफ साहब तुम अली बराज जोड़ा साहब को सिटी का सदर बना दो, ये मेरा अपना फैसला, ये मेरा अपना जाती फैसला था कि अली बराज जोड़ा साहब को मैंने गुजरात सिटी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सिटी का सदर बनाना है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दर्द रखते हैं गुजरात शहर, ठीक है। आप सबका एक सबका MP रहा हुआ यहाँ, ठीक है, वो क्या करता था आप सबको पता है, मैं किसकी बात करने लगूँ उसका वाक्य सुनिए, वो क्या करता था यहाँ रह के ना जो सीवरेज होती है उसमें खुद ही कूड़ा फंकवाना, एक दो साफियों को बुला के वहाँ खड़ा करना, खुद ही कूड़ा फंकवाना और खुद ही उठवाना। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि इलेक्शनों के बाद भी मेरा पूरी नियत है इरादा है कि मैं गुजरात आता जाता रहूँगा। और ये नहीं है कि मैं इलेक्शन करीब आया तो मैं इधर आ गया हूँ, मैं पिछले 6 महीने से जो है वो कैंपेन कर रहा हूँ, आप अक्सर साफी भाइयों को पता है, और 2004 से जो है शहर में आना जाना है। इतना मेरे पे प्रेशर रहा है पिछले 3 महीने कि जी गुजरात शहर तू ना हो, ठीक है, ये इनको पता है कि जी तुसी सिर्फ पंजाब तू आओ तो गुजरात शहर तू किसी और पार्टी का बंदा आ जाए। तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा 3 महीने पहले मैं किस तरह हल्का चेंज कर सकता, मैं तो साथ के हल्के में किसी को नहीं जानता, वो साथ वाले हल्के में 2004 में मैंने कदम रखा, मुझे कॉल आ गई कि जी आपका हल्का नहीं है आप जाइए यहाँ से। ये कब आ गया मुझे, 2004 में हुसैन साहब जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रैक्टर के निशान पर खड़े हो रहे हैं, अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी ट्रैक्टर के निशान पर, खालिद गुराल साहब भी, फिर नईम रजा कोटला साहब वो भी आ रहे हैं मुस्लिम लीग से वहाँ से MP ट्रैक्टर के नाम से, ठीक है, फिर मुसा साहब भी, फिर मैं और सालक साहब भी,
और सालिक साहब आ रहे हैं ऊपर एम एन एन ए 64 से और पीपी 32 कुंजा से, ठीक है। और मैं जो हूँ, जो मैंने प्लानिंग की हुई है सारी, और वो पीपी 31। फिर जितने चेयरमैन हैं यहाँ के सिटी के, उनकी मेरी कल मीटिंग हुई है। उनको मैंने कहा है कि आप लोग अपने यूसेज में जाएं, आप लोगों की कोई ये नहीं है कि खाली मेरा आप लोगों ने कॉर्नर मीटिंग जलसा करा देना। आप लोग खुद गली गली में जाएं, अपने यूसेज में मुस्लिम लीग के दफ्तर खोलें। और बाकी सिवरेज के अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा गुजरात के ये कूड़े के हवाले से। बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं गुजरात आता हूँ और देखता हूँ कि कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और डंपिंग साइट्स के ऊपर भी जो है कूड़ा टाइम से नहीं उठाया जा रहा और वो ऊपर वो सड़कों पर आ गया हुआ है। इसका वाहद हल यही है गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट। एक वाहद हल तो है कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी और अच्छी तरह सफाई हो, उसके बाद ऊपर स्लैबें हों। वो मुझे पता है कि बन जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें पीएचए आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो गुजरात के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। इवन मैंने तो 6 महीने पहले गुजरात की ट्रैफिक लाइट्स का भी एस्टिमेट बनाया था, वो कोई 2.5 करोड़ की गुजरात की ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं, ऑपरेशनल हो जाती हैं। तो आप लोग सारे मेरे ख्याल में तकरीबन गुजरात के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये टाइम आ गया है कि आप लोग अब आवाज़ उठाएं। ये टाइम आ गया है कि अगर बाहर से कॉल आ गई उस कॉल के चक्कर में नहीं जाना। ये टाइम आ गया कि थ्रेट नहीं करनी। हो सकता है कि इलेक्शन से एक हफ्ते पहले कुछ साफियों को कॉल आ भी जाए कि जी जो साढ़ा टाइम आया है ना, असी नहीं तुम्हें छड़ना, कॉल आ मैं कह रहा हूँ साढ़े कुछ वर्कर कॉल आ रही।